सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे कई मायने में खास होगी। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद 100 से 120 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ सकती है, जो कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसी को देखते हुए 6 घंटे के रास्ता, जो कि पहले 6 से 7 घंटे में सफ़र किया जा रहा था, उसे 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है इस एक्सप्रेसवे पे। जो कि इस एक्सप्रेसवे पे बनने से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा और यहाँ पर जो कार्य आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि डामर का कार्य हो रहा है अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो ये जो डामर का कार्य हो रहा है दोस्तों, आप देखेंगे तो ऊपर से तारकोल, यहाँ गिट्टी, ये मशीन लगातार यहाँ पर चलती रहती हैं और यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 से 6 किलोमीटर एक दिन में तैयार कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से डामर का कार्य होता है। फिर इस पे जो डिवाइडर लगा हुआ, डिवाइडर के साइड में वाइट पट्टी येलो पट्टी का कार्य होगा, तो वहाँ पर मार्का लगाया जाएगा और डिवाइडर के बगल, ताकि जो है 100-200 वाले और 2-व्हीलर 4-व्हीलर वाले जो है अलग अलग लाइन पे चल सकें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लगातार कुछ इस तरीके से कार्य हो रहा है और यहाँ पर जो मजदूर भाई हैं हमारे, वो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, सबसे खास बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हर 500 मीटर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, तो हो सकता है इस एक्सप्रेसवे पर भी लगाया जाए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी दिया जाएगा। और ये 1300 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही कहा जाएगा। और यहाँ पर 7 इंटरचेंज दिया गया है और अंडरपास जो है 60 दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर निगरानी देखने के लिए, मतलब देखने के लिए एक्सप्रेसवे पर जो कि सीसीटीवी लगाए जाएंगे, कैमरा इस एक्सप्रेसवे पर भी लगाया जाएगा। अब ये अनाउंस नहीं किया गया है कि कितने 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगेगा और सुविधा के अनुसार से हर 25 से 30 किलोमीटर पे टायर लेट होंगे, जो कि टायर लेट भी बनाए जाएंगे इसी एक्सप्रेसवे पे, और आपको बहुत सारी सुविधा दिया जाएगा इस एक्सप्रेसवे पे। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लगातार यहां डिवाइडर का कार्य अभी नहीं हुआ और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं तो अभी यहाँ पर पहले सफाई होगी, फिर यहाँ पर वाइट पट्टी और येल्लो पट्टी का कार्य होगा, जो कि यहाँ पर मार्कर लगाया जाएगा और फिर यहाँ पर लाइट भी लगाई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वो आधी साइड में डिवाइडर नहीं लगाया क्योंकि अभी यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है, जो कि जैसे कि वो व्हाइट पट्टी का कार्य तो यहाँ पर हो चुका है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।